नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल tutel.com पे। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जैसे कि आप जानते हैं, किसी भी हम एक नेचुरल नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये जो इसका ऑर्डर होता है ये बहुत यूनिक होता है, इसलिए इस थ्योरम को हम यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम भी बोलते हैं। इस थ्योरम के बारे में हम और ज़्यादा जानते हैं एक एग्जाम्पल से। शो दैट 12^n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 or 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि कोई भी 12^n एक नंबर है, वो कभी भी 0 or 5 से ख़त्म नहीं होगा, उसके लास्ट में 0 or 5 नहीं होगा, चाहे n कोई भी नंबर हो, नेचुरल नंबर होना चाहिए। कैसे स्टार्ट करेंगे? हमें पता है कि अगर वो 0 or 5 से ख़त्म नहीं होगा तो उसका 5 फैक्टर होना चाहिए, मतलब वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अब हम 12 को कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2 × 3 raised to the power n, अब 2 यहाँ पे कितनी बारी आ रहा है? 2 बारी। सो 2 raised to the power 2 × n into 3 raised to the power n। इसका क्या मतलब हुआ कि जो 12^n के फैक्टर्स हैं वो सिर्फ 2 और 3 है, और कोई नहीं होगा, क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन की थ्योरम से ये जानते हैं, फंडामेंटल थ्योरम से, कि कोई भी जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं किसी भी नंबर के वो यूनिक होंगे। तो इसका मतलब 12^n में कभी भी 5 नहीं आएगा, तो ये कभी भी 0 और 5 से n नहीं होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कैन द नंबर 4^n, n बीइंग अ नेचुरल नंबर, n विद डिजिट 0 गिव रीजंस। सो अब ये सोचिए कि क्या कोई भी एक नंबर है जो कि क्या 4^n की फॉर्म में है, क्या ये 0 पे ख़त्म हो सकता है? तो सेम जैसे अभी हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया, सेम कॉन्सेप्ट हम यूज़ करके ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 96 एंड 360 एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो ये क्वेश्चन हमारा यूजुअली 3 मार्क्स का आता है। तो इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें हमें निकालनी है। पहला निकालना है एलसीएम, फिर क्या निकालना है? एचसीएफ, और फिर हमें वेरीफाई करना है इनका रिलेशन। पहले जानते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ क्या होता है? सारे जो भी आपके कॉमन फैक्टर्स होंगे, सबसे पहले आप कॉमन फैक्टर्स निकालोगे, फिर उनकी पावर देखोगे, जो छोटी पावर होगी उसका प्रोडक्ट निकालोगे। जैसे कि यहाँ से शुरू करते हैं, 96 के प्राइम फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे? जैसे हम निकालते हैं, अरे क्लास 6 से, ठीक है, छोटे प्राइम फैक्टर से शुरू करेंगे। 96 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2^5 × 3, और 360 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2^3 × 3^2 × 5। अब HCF हमने क्या बोला? हमें सबसे पहले क्या देखना है? कॉमन फैक्टर्स। सो कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या है? 2 है और 3 है। अब जो कॉमन फैक्टर्स हैं इनकी स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, जो सबसे छोटी पावर है। जैसे यहाँ पे 5 और 3 है, तो 5 और 3 में से क्या छोटा होगा? 3। सो ये क्या हो गया? 2^3। फिर 3 देखते हैं, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो छोटा नंबर कौन सा होगा? 1। तो यहाँ पे क्या हो गया? 2^3 × 3, क्योंकि इनका हमें प्रोडक्ट भी लेना है। आंसर क्या आया? 24। तो ये आपका क्या हो गया? HCF। LCM में हम क्या करते हैं? हम सारे फैक्टर्स लेते हैं और उनका हाईएस्ट पावर लेते हैं, ठीक है। कॉमन हो या ना हो हमें कोई मतलब नहीं है, बट हम सारे फैक्टर्स लेंगे। अगर कॉमन है तो उनकी ग्रेटेस्ट पावर लेंगे। जैसे 2, यहाँ पे 2 में ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 5। तो यहाँ पे 2^5 आ गया। 3 में ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 2। तो 3^2 आ गया। 5 अकेला था तो 5। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर क्या आ गया? 1440। सो HCF के आपको कितने मार्क्स मिल गए? 1 मार्क। LCM के आपको कितने मार्क मिल गए? 1 मार्क। अब आता है वेरिफिकेशन पार्ट पे, क्योंकि हम जानते हैं कि दो नंबर्स का जो LCM होता है और HCF होता है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो किसके इक्वल होगा? उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल। वेरिफिकेशन के लिए हम LHS से शुरू करते हैं। LCM into HCF, LCM क्या था हमारा? 1440, और HCF क्या था? 24। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 34560। और RHS में क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स कौन से थे हमारे यहाँ पे? 96 एंड 360। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 34560। दोनों सेम है तो हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया। इसके लिए हमें कितने मार्क्स और मिल जाएंगे? 1 मार्क। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही हमारे पास 3 नंबर्स के लिए भी होते हैं, वो आप हमारी वेबसाइट में, हमारे कंटेंट में चेक कर सकते हैं। अब आते हैं कि हम कैसे ये पता लगाएं कि हमें किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में LCM निकालना है या HCF निकालना है। ये चीज़ सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है बच्चों के लिए, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि क्वेश्चन आता है तो 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। सबसे पहले समझते हैं कि LCM और HCF क्या है। HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मतलब कोई भी नंबर का जो फैक्टर होगा
वो हमेशा उस नंबर के इक्वल होगा या उस नंबर से छोटा होगा. जैसे कि अगर हम बात करते हैं 6 के फैक्टर को, तो फैक्टर्स ऑफ 6 क्या होंगे, 1, 2, 3, 6, मतलब 6 है या 6 से छोटे हैं. ऐसे ही LCM, LCM का मतलब क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है, अगर हम किसी भी नंबर के मल्टीपल्स फाइंड करना चाहते हैं तो वो जो मल्टीपल्स होंगे वो क्या होंगे, वो नंबर के इक्वल होंगे या उससे बड़े होंगे. तो ऐसे ही हमें अगर LCM निकालना है तो हम सबसे पहले वर्ड क्या देखेंगे, मिनिमम. अगर किसी क्वेश्चन में वर्ड मिनिमम है तो आप LCM निकालोगे या लीस्ट है. लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में वर्ड मैक्सिमम है तो HCF निकालोगे, ठीक है, क्योंकि HCF क्या है, मैक्सिमम कितना जा सकता है उस नंबर के इक्वल. LCM क्या है, मिनिमम कितना जा सकता है उस नंबर के इक्वल जिसका भी हमें LCM निकालना है. या फिर अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी कैसा नंबर फाइंड करना होता है, वो वैल्यू फाइंड करनी है जो कि जितने भी हमें नंबर्स गिवन है उनसे बड़ी होनी चाहिए, तो हम LCM निकालेंगे. ऐसे ही अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में हमें वो वैल्यू फाइंड करनी है जो भी हमें जितने भी नंबर्स गिवन है उनसे छोटी होनी चाहिए, तो हम क्या फाइंड करेंगे, HCF. कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा. फाइंड द लीस्ट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाई 6, 15 and 18 लीव सेम रिमाइंडर 5 इन ईच केस. मतलब कि आपको एक ऐसा नंबर निकालना है जो कि अगर 6 से डिवाइड होगा, 15 से डिवाइड होगा, 18 से डिवाइड होगा, तीनों नंबर से डिवाइड होगा, रिमाइंडर सेम आना चाहिए. तो ऑब्वियसली कोई छोटा नंबर तो हो नहीं सकता, तीनों नंबर से बड़ा होगा, लीस्ट भी गिवन है हमें, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, LCM. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. 2 टैंकर्स कंटेन 750 एंड 580 लीटर्स ऑफ पेट्रोल रिस्पेक्टिवली. फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ बोथ द टैंकर्स व्हेन यूज्ड इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स. मतलब दो टैंकर्स हमें गिवन है जिनकी कैपेसिटी है 750 लीटर्स और 580 लीटर्स. अब उस टैंकर की हमें कैपेसिटी निकालनी है किसी और कंटेनर से, जो कि हम उसको अगर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम यूज़ करें तो दोनों का पेट्रोल वो मेजर कर सकें. इसका मतलब हमें कोई एक ऐसा कंटेनर लेना पड़ेगा जो उन दोनों टैंकर से छोटा होगा, ऑब्वियसली उसको मेजर करने के लिए कि कितना पेट्रोल आता है. तो इस क्वेश्चन में हम क्या निकालेंगे, HCF. और यहाँ पे एक बात और देखो, मैक्सिमम भी गिवन है, मैक्सिमम के लिए हमें पता है हमें क्या निकालना है, HCF. थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं. In an evening walk, 3 persons step off together. Their step measure 80 cm, 75 cm, 90 cm respectively. What is the minimum distance each should walk so that all can cover the same distance in complete step? मतलब एक बंदा है जो कि 80 cm steps चलता है, दूसरा बंदा है जो कि 75 cm step चलता है, और एक तीसरा बंदा है जो कि 90 cm step चलता है. उसने बोला कि क्या इनका मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, जो मिनिमम डिस्टेंस ये वॉक करे ताकि ये सेम डिस्टेंस कवर कर सके इन कंप्लीट स्टेप. सेम डिस्टेंस कवर करना है इन्हें, ठीक है, सेम डिस्टेंस. मतलब कि ऑब्वियसली इनसे छोटा नहीं होगा, क्योंकि छोटा अगर यहाँ तक लेते हैं तो वो ये लेंगे, तो छोटा नहीं हो पाएगा 90 से, तो बड़ा ही होना चाहिए इन तीनों नंबर से. इसलिए हम क्या निकालेंगे, LCM. दूसरी चीज़ मिनिमम गिवन है तो क्या निकालेंगे, LCM. नेक्स्ट क्वेश्चन है. 6 बेल्स कमेंस टोलिंग टुगेदर एंड टोल एट इंटरवल्स ऑफ 2, 4, 6, 8, 10 and 12 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली. इन 30 मिनट्स हाउ मेनी टाइम्स डू दे टोल टुगेदर. तो हमारे पास 6 बेल्स हैं जो कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड्स के इंटरवल में एक साथ टोल करती हैं. तो उसने ये बोला कि 30 मिनट्स में वो कितनी बारी एक साथ बजेंगी. हमें सबसे पहले जो वो एक साथ बज रही है उसको इंक्लूड नहीं करना. तो एक कॉन्सेप्ट समझते हैं छोटा सा. एक हम दो बेल्स लेके चलते हैं जो कि मान के चलते हैं कि पहली बेल 3 सेकंड पे और दूसरी बेल 4 सेकंड पे एक साथ टोल करेगी. अगर पहली बेल 3 सेकंड के बाद टोल कर रही है तो इसका मतलब 3 सेकंड्स में करेगी, फिर नेक्स्ट इन 6 में करेगी, नेक्स्ट इन 9 में, नेक्स्ट में 12 में, ऐसे ही वो करती चली जाएगी. ऐसे ही सेकंड बेल सबसे पहले 4 सेकंड्स में टोल करेगी, फिर 8 पे, फिर 12 पे एंड सो ऑन. इसका मतलब सबसे पहले वो कब टोल करे, 12 सेकंड पे, ठीक है. अब नेक्स्ट टाइम वो कब टोल करेगी, 12 सेकंड के बाद. इसका मतलब ये जो 12 था ये क्या था, ये 3 और 4 का LCM था. तो यहाँ पे भी हमें यही चीज़ करनी है. तो अगर हम इन सब नंबर्स का LCM निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा ये कितनी देर बाद दोबारा से टोल करेंगी. सो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2^1. 4 के लिए लिखेंगे 2^2. 8 के लिए लिखेंगे 2^3. 6 के लिए क्या लिखेंगे, 2^1 × 3^1. 10 के लिए 2^1 × 5^1. 12 के लिए 2^2 × 3, क्योंकि हमें LCM फाइंड करना है. तो LCM में क्या होता है, हमारा सारे फैक्टर्स लिखते हैं लेकिन ग्रेटेस्ट पावर. तो यहाँ पे फैक्टर्स सबसे पहले 2 की बात करते हैं. ग्रेटेस्ट पावर क्या है 2 की, 3, ठीक है. 3 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 1. और 5 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 1. सबको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आया, 120 सेकेंड्स.
सेकेंड्स में लिखेंगे क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन सेकेंड्स में है. अब इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना हो गया 2 मिनट्स. इसका मतलब हर 2 मिनट बाद बेल एक साथ बजेंगे, तो अगर 10 मिनट्स में वो कितनी बारी बजें, हर 2 मिनट बाद बेल बज रही है, तो 10 मिनट्स में कितनी बारी बजेंगे, 10/2 कर देंगे, मतलब 5 टाइम्स बजेंगी. लेकिन हमें 30 मिनट्स में निकालना है, तो कितनी बारी बजे, 30/2 विच इज़ 15 टाइम्स. ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है. इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, पढ़ना. कोई भी डाउट है आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. जल्दी से समराइज करते हैं हमने क्या क्या सीखा. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या था, कि हम किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 36 2 into 2 into 3 into 3. इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, एक है HCF फाइंड करने के लिए, एक है LCM फाइंड करने के लिए. HCF हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं. आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो प्लीज़ जाइए हमारे चैनल पे tutor.com पे और फर्स्ट वीडियो देखिए. HCF हम एक यूक्लिड्स डिविजन एल्गोरिथम से फाइंड कर सकते हैं और एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से फाइंड कर सकते हैं. HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर. मतलब आप हर कॉमन प्राइम फैक्टर को देखोगे, उसकी स्मॉलेस्ट पावर को देखोगे और फिर सबको मल्टीप्लाई कर दोगे. LCM क्या होता है, आप हर प्राइम फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर को देखोगे और फिर उसका प्रोडक्ट लोगे. दो नंबर्स का रिलेशन क्या होता है, HCF into LCM is equal to P into Q. ऐसे ही 3 नंबर्स का रिलेशन क्या होगा, LCM is equal to तीनों नंबर का प्रोडक्ट into तीनों नंबर का HCF. अब हम केसेस बनाएंगे, फर्स्ट 2 नंबर का HCF into फिर सेकेंड और थर्ड नंबर का HCF, फिर into फर्स्ट और थर्ड नंबर का HCF. ऐसे ही आप HCF भी निकाल सकते हो 3 नंबर का. वो आप कैसे निकालोगे, जहाँ पे आपका LCM है उसको HCF की जगह रख दो, और जहाँ पे आपका HCF है उसको आप LCM की जगह रख दो, दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर लोगे. आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा. प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आप कोई भी साइंस एंड मैथ्स की वीडियोस को मिस ना कर सके. हमारे वेबसाइट पे जाइए, आपको वहाँ पे और एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगी, आपको एक अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, और आप इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे टेस्ट भी ट्राई कर सकते हैं. तब तक के लिए स्टे सेफ, नेक्स्ट वीडियो का वेट करें. थैंक यू, बाय.